कामाख्या जंक्शन जो है क्रॉस कर लिया है, एंड यहाँ से इसके बाद आएगा अजारा, एंड देन आफ्टर यहाँ पे मिर्ज़ा आएगा। सो काफ़ी सारे और भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इसके बाद मिर्ज़ा के बाद आएगा छाया गाँव, एंड देन आफ्टर आएगा आपका बमूनी गाँव, फिर बोको, शिंगारा, धूपधारा, रंगजूली, इसके बाद आएगा अमजोंगा, दुधोनोई, कृष्णाई, ऐसे करके काफ़ी सारे और भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी नहीं। सीधा इसके बाद जो रुकेगा न्यू बोंगाईगांव के पास, या शायद न्यू बोंगाईगांव कुछ करके नाम है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो सीधा अपना जो है ट्रेन अभी रुकेगा 9:28 को न्यू बोंगाईगांव जंक्शन के पास, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको स्टेशन के बाहर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, न्यू बोंगाईगांव के जंक्शन जो स्टेशन है, एंड देन आफ्टर इसके बाद सीधा अपना ट्रेन रुकेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि अपना लास्ट डेस्टिनेशन होगा ट्रेन का, ठीक है। सो मिलते हैं वहाँ पे। अभी मैं बोंगाईगांव के पास हूँ, न्यू बोंगाईगांव कहते हैं इसको, इधर मैं आ चुका हूँ। एंड थोड़ा सा पीछे का नज़ारा मैं दिखाऊँगा, यह मेरा ट्रेन है जो जिससे मैं आया हूँ, एंड में जो पीछे का नज़ारा है वो भी दिखाऊंगा। काफ़ी छोटा सा और माइनर सा एक स्टेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। खाने के लिए एक दो स्टॉल यहाँ पे है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा स्टॉल वगैरह यहाँ पे नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे से आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो काफ़ी छोटा सा एक स्टॉल है यहाँ पे, मतलब खाने के लिए जैसे सामने मेरे, एंड काफ़ी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है ये। यहाँ से चालू होके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। काफ़ी डिसेंट सा एक छोटा सा है, न्यू बोंगाईगांव करके इसका नाम है। एंड ये रही मेरी सीट, यहाँ पे मेरी नानी वगैरह बैठा है, मेरी बहन बैठी है, बस छोटा सा है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी जाने में। हम लोग गुवाहाटी पहुँच गए थे करीबन 7 बजे के आसपास, एंड न्यू जलपाईगुड़ी भी पहुँच जाएंगे 3 बजे के आसपास, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता यहाँ पे। एंड बाकी मैं न्यू जलपाईगुड़ी जाने के बाद और या फिर अगर कहीं और रुका तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ रुकता है, ठीक है। सो वीडियो में आगे बने रहिए। मैं मेरे रूम तक चलता हुआ एंड थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ वहाँ से भी, एंड यहाँ से जो है मेरा कमरा है। एंड ये मेरी नानी बैठी है यहाँ पे, एंड ये मेरी बहन सोई पड़ी है, रात को सोई नहीं थी वो, क्योंकि ये थोड़ा सा देखभाल कर रहे थे सामानों की, ये सोई नहीं है। एंड ये मेरी नानी है, नानी बैठी हुई है खिड़की के पास, मेरे को बैठने की जगह नहीं मिला खिड़की के पास, मैं इधर ही बैठा हूँ साइड में। थैंक यू। एज यू कैन सी गाइस, काफ़ी अच्छा खासा व्यू है यहाँ पे, एंड जहाँ तक मैंने नोटिस किया है काफ़ी जगह जो खाली है यहाँ पे, ठीक है। मैं गुवाहाटी से देखने हुए आ रहा हूँ, जो मेट्रो बन चुका है वो पूरा बिल्कुल ओपन एरिया है, काफ़ी सुंदर भी है देखने में। बाहर से अगर दिखा पाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ऐसे कपड़ा है तो बाहर भी जो है लॉक करके रखे है दरवाज़ा भी, तो मैं इस कारण से खिड़की से दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खासा व्यू देखने को मिल रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। यहाँ से पीछे भी काफ़ी अच्छा खासा पानी भरा हुआ था, पूरा ये वाली जो प्लेस थी पूरा पानी भरा हुआ था, काफ़ी सुंदर देखने को नज़ारा था। फिलहाल के टाइम में हम लोग जा रहे हैं, लेट्स सी, काफ़ी सुंदर सी जगह है आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, देखना पड़ेगा मुझे मोबाइल के अंदर। एंड नानी को भी जो है वीडियो करना है अभी, देख देख के मेरी नानी इधर बैठी है आप देख सकते हो, तो ये जगह है मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पे गुवाहाटी दिखा रहा था अभी भी, अजारा कुछ करके दिखा रहा है, अजारा करके कुछ जगह है जो कि इसको बोला जाता है। एंड
सुंदर है, काफी ज्यादा सुंदर है। छोटे छोटे घर हैं पूरे खाली मैदान के अंदर, काफी अच्छा खासा दिखता है, देखने में भी सुंदर लगता है। थोड़े से घास के बाद सीधा पानी आ जाता है, कितना सुंदर सा एक व्यू है भाई, सीरियसली मजा आ रहा है देखने का। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा व्लॉग करूँगा, एंड थोड़ा थोड़ा दिखा के मैं बोल का सोचा था अपने सारे व्यूअर्स को कि कैसे जाना होता है, लेकिन यह व्यू इतना सुंदर है कि मैं बिना दिखाए नहीं पा रहा। तो मैं ऐसे जा रहा था तो जो ये नज़ारा काफ़ी सुंदर है, एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम लैप्स क्यों ना लिया जाए, तो यहाँ से आप थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो, थोड़ा सा अच्छा अच्छा फुटेज ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा। वेदर भी काफ़ी ही अच्छा हो के रखा है, शायद से बारिश होने वाला है यहाँ पे, एंड बारिश होता है तो नेपाल जाने में दिक्कत होगा, लेकिन फिलहाल के टाइम पे तो वेदर बहुत सही है एंड मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, आप वीडियो एंजॉय करो, ठीक है। अभी देखे गया है, अभी हम लोग स्टेशन के बहुत पास है, तो 3 प्लेट हमने ऑर्डर किया था, 120 रुपये का पड़ता है वेज थाली, तो ये वेज है और खाना बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि मेरे नानी ने खाया है, सो काफ़ी स्वादिष्ट है, 120 रुपये का है, आप लोग अगर मंगवाना तो मंगवा सकते हो, थैंक यू। अभी जस्ट आके उतरे हैं यहाँ पे हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन पे, एंड सारे जस्ट अभी उतर ही है हमने, हमारी लगेज भी यहाँ पे है, एंड बाहर जाके मैं जो है ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, कहाँ से गाड़ी लेना है वो वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा मैं आगे चल के, एंड आगे तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से निकलने के बाद गाड़ी मिल जाएगी हम लोगों को पानी टंकी के लिए, एंड देन पानी टंकी जाके मैं सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगा, एंड गाड़ी भी कहाँ से मिलता है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है।